हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साइलेज टेक पे। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये हीरो ब्लैक कैमरा और कुछ एसेसरीज। तो मैंने अपनी राइडिंग के ब्लॉग करने के लिए कुछ मैंने कैमरा और एसेसरीज मंगाया है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो उसी का सेटअप करने वाला हूँ मैं हेलमेट में। तो मैं क्या क्या मंगाया हूँ, मैंने कैसे उसके माउंट करूँगा, उसके बारे में ये मेरा वीडियो है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, ये मैंने एक ब्लैक लिया है मैंने, ये मुझे 30,000 के अप्रॉक्स पड़ा है। ये मैंने अमेजोन से मंगाया है। और इसके अलावा ये सिर्फ जो कैमरा है उसे हम सिर्फ यूज करके अपना ब्लॉग नहीं कर सकते हैं, इसके लिए काफ़ी एसेसरीज लेनी पड़ती है। तो ये कंप्लीट काफ़ी महंगा पड़ता है, क्योंकि इसके एसेसरीज के बिना आप इससे ब्लॉगिंग या इसे यूज आप नहीं कर पाएंगे। इसमें माइक तक माउंट आप नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मैंने GoPro से ही एक एडेप्टर लिया है, जो कि बहुत ज़रूरी है। आप इसके बिना कोई भी माइक को इसमें माउंट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये 3.5 mm का माइक एडेप्टर। ये मुझे 4,500 का मिला है। ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाया है, लेकिन अमेजोन पे मुझे काफ़ी कॉस्टली मिल रहा था और इसकी कोई सेलर भी नहीं थे। 8-9,000 का मिल रहा था, तो मैंने ये टाटा क्लिक से मंगाया है। ये मुझे 4,500 का मिला है और इसका मैं लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अगर आप लोगों को भी लेना हो तो मिल सकता है। बेसिकली ये अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। रिलायंस डिजिटल में भी गया था, वहाँ पर भी नहीं मिल रहा था और GoPro के स्टोर पर भी नहीं मिल रहा था। तो काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे टाटा क्लिक पर मिला है। और इसके अलावा जब मैंने कैमरा लिया, तो कैमरे के अंदर सिर्फ एक बैटरी आती है और एक हेलमेट माउंट आता है, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा एसेसरी नहीं आता है। तो इसके लिए मुझे एक ब्लॉगिंग केस लेना पड़ा, ये यंत्रालय का है। यंत्रालय ने GoPro के रिलेटेड काफ़ी एसेसरीज निकालता है, जिसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है और GoPro के ओरिजिनल एसेसरीज के कंपेयर में काफ़ी सस्ते होते हैं। अलावा एक मैंने नॉर्मल ब्लॉगिंग का के लिए एक ट्राईपॉड लिया है, जो बेसिकली GoPro के लिए यूज में आता है। ये बिल्कुल GoPro का जो ओरिजिनल ट्राईपॉड आता है 3-way वाला, उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, लेकिन उससे रेट इसका बहुत ज़्यादा कम है। ये 700 के अप्रॉक्स आया है। ये भी मैंने अमेजोन से मंगाया है, देख सकते हैं, ये भी यंत्रालय का है। और GoPro का जो ओरिजिनल वाला है वो 5,200 के अप्रॉक्स आता है। क्वालिटी में काफ़ी अच्छा है, ये भी आप ले सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा ब्लॉगिंग में, जैसे अपन ब्लॉगिंग करते हैं तो आपका जो हैंड है वो वीडियो में दिखता है, इसको यूज करने के बाद वो बिल्कुल नहीं दिखता। तो काफ़ी अच्छा है, आप इसे यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा ये मैंने हेलमेट माउंट लिया है, ये भी सेम यंत्रालय का है और ये मुझे 955 रुपीज़ का मिला है और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसी की हेल्प से मैं ये अपने हेलमेट, जो मैंने मेरा हेलमेट है, इसमें माउंट करूंगा फ्रंट में। और इसके अलावा मैंने एक माइक मंगाया है, आप देख सकते हैं, ये माइक भी मैंने अमेजोन से मंगाया है। इसके रिव्यू काफी अच्छे थे और कई लोगों ने इसे सजेस्ट किया है, तो मैंने भी ये वाला माइक मंगाया है। रेट लगभग 450 रुपीज़ का है। ये मुझे अमेजोन से 481 रुपीज़ का मिला है। और इसके साथ में एक अडेप्टर आता है, जो इसकी क्वालिटी को इन्हेंस कर देता है। तो ये जो अडेप्टर है, इसे लगाने के बाद हम इस माइक को आराम से हेलमेट में डाल के यूज कर सकते हैं। कोई मेमोरी कार्ड नहीं है, तो इसके बिना आप इसे यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो ये भी मुझे लेना पड़ा, मुझे लगा था शायद ये तो साथ में आएगा GoPro के, लेकिन ये भी नहीं आया मेमोरी कार्ड। तो ये 64 GB का स्कैन डिस्क का मैंने मेमोरी कार्ड मंगाया है, ये भी मैंने अमेजोन से मंगाया है। तो ये काफ़ी सारी एसेसरीज मुझे लेनी पड़ी। और एक चीज़ ये है, ये GoPro का केस है जो अमेजोन बेसिक का है, ये भी मैंने अमेजोन से मंगाया है। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। ये है, ये लार्ज साइज का है, इसमें आपको स्मॉल साइज का भी मिल जाएगा, रेट में ज़्यादा वेरिएशन नहीं है।
ये वाला मुझे 855 रुपीज़ का मिला है, और जो इससे छोटा साइज़ का आता है वो 800 का मिल रहा था अमेजोन पे। तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लेनी पड़ी, वरना इसके बिना मैं अपने GoPro को यूज ही नहीं कर सकता था। तो मैंने सबसे पहले तो ये लिया था, इसके लेने के बाद मुझे पता चला कि इसके साथ क्या क्या चीज़ें और लेनी पड़ेगी, तो मुझे ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके लेना पड़ा। मैंने काफ़ी सर्च किया, काफ़ी वीडियो देखी क्या क्या चीज़ें कंपलसरी है, तो वीडियो देखने के बाद और काफ़ी लोगों से रिव्यू लेने के बाद मैंने सारे प्रोडक्ट मंगाए हैं। अपने हेलमेट में इसे माउंट करूँगा। दोस्तों मेरे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ब्लॉगिंग पे जाऊँगा या राइडिंग पे जाऊँगा तो मैं इसको यूज करूँगा और इसके शॉर्ट्स भी आपको दिखा दूँगा कि ये कैसा परफॉर्मेंस है, कैसा परफॉर्म करता है, कैसी इसकी क्वालिटी है। अगर आपको भी इनमें से कोई भी चीज़ लेना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इनके सबके लिंक मैं डिटेल में डाल दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो में बने रहने के लिए।